सबको नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज मिलकर के आप जो वैदिक मैथमेटिक्स की बात आज करेंगे, और आप लोग सभी आ रहे हैं, सभी जुड़िए इस लाइव में। सभी लोग आइए, एक अपने कमेंट करिए, और आप पता चलना चाहिए कि आप लोग जुड़ पा रहे हैं, जुड़ गए हैं, और आप इसमें अपने कमेंट लिख सकते हैं पहले कि हम जुड़ गए हैं। तो सबको नमस्ते। और आज इस वीडियो में अजय कुमार मित्तल जी आ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इसमें, गुलशन कुमार जी और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लगभग आदित्य मिश्रा, राकेश बिश्नोई, अधिवक्ता, स्वयंसेवक, सबको प्रणाम। राकेश जी प्रणाम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के। आप जो है यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित में जुड़ रहे हैं। कीर्ति और अमित मोहन जी और बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो मैं आपकी प्रतीक्षा में था कि आप कब जुड़ें और कब यहाँ पर दिखें, तो मैं ये अपना सेशन आज का स्टार्ट करूं। और मुझे लग रहा है कि आप जो वैदिक गणित का आपने पहले दो लेक्चर देखे हैं और उनके मैसेज आ रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और हमें आशा है कि आगे भी ये चले। तो बहुत सारे लोगों के सुझाव भी थे इसमें कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे इसको मैथमेटिक्स को हमें पढ़ाना चाहिए। अगर हम मैथमेटिक्स को वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र से पढ़ाते हैं तो ये स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा। इससे स्टूडेंट्स, हमें अगर अच्छा लग रहा है, टीचर्स को अगर अच्छा लग रहा है, तो स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगेगा, वो नेचुरली। तो हम जो है स्टूडेंट्स को अगर इस ढंग से पढ़ाएं तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो हमें वो सब करना है जिससे इंटरेस्ट का, जैसे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो जो है आपके हर्ष रंजन जी हैं और सबको नमस्ते। हर्ष रंजन जी नमस्ते। कमिंदर बबलू जी हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर जी, सबको नमस्ते। तो आइए, कल जो हम कर रहे थे बात, हम बेस मेथड्स की, और बेस मेथड्स में हमने केवल सम कुछ किए थे, और हमने किया था कि भी किस प्रकार की सम ऑफ प्रोडक्ट भी इसे हम कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे थे इसमें कि वो चाह रहे थे कि भी हमें कुछ ऐसा भी बताइए जो सभी नंबर्स के साथ हम ये एक्शन ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, स्क्वेयर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा चलने वाला प्रोग्राम है, लेकिन जो है हम इसमें कुछ चीजें आपके अवेयरनेस के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, और ये हम एक लॉन्ग प्रोसेस में काफी इसको जो है चला सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर हमें दो कई यूनिवर्सिटीज में इसको सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है और कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय नागपुर में है, और मेरठ में जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, और हरियाणा में भी लगभग चार यूनिवर्सिटीज में ये चल रहा है, वहाँ पर एमएससी में चल रहा है अभी, और आगे इसकी योजना कई यूनिवर्सिटीज में हो रही है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो आप लोग भी जो इसमें करना चाहते हैं, जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इसको सीखना चाहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकते हैं। तो हम आपको सारे समय समय पर आपको हम जानकारी देते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। और हम इस विषय में, क्योंकि ये शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का एक मुख्य विषयों में से एक विषय है और सबसे ज्यादा पसंद करने वाला ये विषय है, तो आप इस विषय के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपने अपना भी इसमें इंटरेस्ट क्रिएट रखना है और स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट करना है, तभी मैथमेटिक्स से। क्योंकि आज जानते हैं कि सबसे ज्यादा डर है तो है वो है केवल मैथमेटिक्स से ही है, और हमें अपने वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से इस डर को भगाना है, हमें इस डर को दूर करना है स्टूडेंट्स के अंदर, और इसको फास्ट कैलकुलेशन करना है, जो भारतीय संस्कृति का ये जो 16 सूत्र है और 13 सब सूत्र है, इसको आगे बनाना है। इनके द्वारा हम पूरे जगत का मार्गदर्शन, इसके द्वारा बहुत सा पूरे विश्व में ये चल रहा है वैसे, और भी हम इसको डेवलप करके जो 16 वॉल्यूम थे हमारे 16 सूत्रों के माध्यम से किए गए थे, हम पुनः इसको जागृत करें, तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आप इसमें से, मुझे लगता है, सहयोग करेंगे, और आगे आने वाले समय में क्या क्या प्रोग्राम और हो सकते हैं वो भी जिक्र आपसे बाद में करेंगे।
तो आइए आज जो है, कल एक बात जो आई थी कि अगर एक तो ऐसा है कि हमारे पास ये सूत्र है बेस को लेते हुए, तो कई टीचर्स ने ये पूछा था कि बताइए क्या ये जो सूत्र है ये अलग अलग बेसिस पर भी हो सकता है क्या, बेस अलग हो? तो अभी तक हमने ये सूत्र नहीं लिया था, तो आज जो है इस सूत्र को हम लेंगे। तो इस सूत्र को लेकर के देखेंगे। अब जैसे यहां पर हम बात इसका पेन टेबलेट, यस, अब देखिएगा। पेन में दूसरा कलर चेंज कर रहा हूं इसका, यस। देखिएगा, अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे बेसिस की, तो यहां बेस अगर डिफरेंट बेसिस हो तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर बेसिस डिफरेंट हैं तो हम क्या करेंगे? बेस अलग अलग हो, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं यहां पर 102 और हम करें 1005। अगर देखिएगा बेस आपके अलग अलग हैं यहां पर, और इसको हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग बेसिस हैं और उसका डाइवेशन के हेल्प से करना है। वैसे तो आपके पास बहुत सारे आपके टॉपिक भी हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिससे हम जो है अलग अलग करेंगे ही, लेकिन बेस को ध्यान में रखते हुए कैसे हम कर सकते हैं कि बेस को ध्यान में रखते हुए बेस अलग है और उसकी हेल्प से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वो यहाँ पर देखेंगे एक झलक थोड़ा सा करके, फिर हम अलग टॉपिक लेंगे। ये कल के टॉपिक का ही अधूरा भाग रह गया था और इसको हम आज पूरा करने वाले हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसका डेविशन क्या है, 2 है 102 में, और 1005 में क्या इसका डेविशन है, 5 है। तो उसके साथ 2 जो है हम इसका जो बेस है वो लिख लेते हैं। बेस क्या है यहाँ पर 102 में, 100 का बेस है, और 1005 में क्या बेस है यहाँ पर, 1000 बेस है। ठीक है, आप सभी समझ रहे हैं, कल हमारा डिस्कस हो चुका था। तो हम क्या करते हैं इसमें, कितनी जीरोस कॉमन है, कितने हैं जीरो कॉमन, 2 जीरो कॉमन है, इनको कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको कैंसिल किया है तो ये सब हम कर सकते हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, यानी बेसिक क्या है इसके पीछे वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए हम इसको क्या करने वाले हैं, हम क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका सामने बेस है, और 102 को एक डिटेल में कर लेते हैं हमने कैसे किया। तो 102 इंटू 10, ठीक है, 102 इंटू 10 प्लस क्या करना है, प्लस करना है ये क्रॉस में, ये भी क्रॉस करना है, 5 इंटू 10, ये जो डिवीजन है और इसका बेस अपोजिट, तो 5 इंटू 1, तो ये आपका पार्ट आ गया लेफ्ट पार्ट। और राइट में तो वही करना है 2 इंटू 5, यानी डिवीजन का हमने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आया, 5 इंटू 1, आपका ये 5 इंटू 1 है, तो क्या हुआ 5 और 1020 प्लस 5, तो 1025 आ गए ये ऐड करके, और 5 to the 10। ठीक है, तो ये तरीका हुआ हमारे पास डिफरेंट बेसिस का है, और आप जो है इसको देख पा रहे हैं। सभी आप यहाँ कर रहे हैं मुझे लगता है। व्हाट इज द डिवीजन ऑफ, एक रीना मित्तल जी ने लिखा है कि व्हाट इज द डिवीजन ऑफ 4567, वो अभी बात करेंगे रीना जी। अभी देखना, पहले एक बार ये ले लेते हैं कुछ चीजें, उसके बाद फिर आप जो है उसके बाद बात करना है इसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करें। तो आइए इसका जो है और एग्जांपल लेते हुए इसको हम जो है सोल्व करते हैं। आइए 2004 को मल्टीप्लाई करना है किसे, 305 से। यस, आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल अलग है, और न 100 पे भी नहीं है, 1000 पे भी नहीं है, तो ये 2000 और आपका 300 है। तो आपका डिवीजन यहाँ पर देखिएगा 4 and 5, यहाँ पर डिवीजन है, 2004 में 4 है, 305 में 5 है। और उसके सामने देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसका बेस हम 2000 है लेंगे, वही 2000 से 4 ज्यादा था और ये 300 से आपका 5 ज्यादा था। तो अब देखिए आप यहां पर ये करने के बाद आप सब समझ में आ जाएगा कि हमने करना क्या, इसकी आप देख रहे हैं क्या करना है। अब इसमें बताइए सब, इसमें हमने 2 जीरो को कैंसिल, 2 कॉमन, कितने जीरोज हैं इसमें, 2 जीरोज कॉमन है, तो हमने ये करना है, कैंसिल करना है। और आप देख पा रहे हैं इसमें करना क्या होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 से करेंगे, तो आपका जो है इसमें 6000 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 6012 होगा। ठीक है, और
आप जो है इधर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 5 to the 20 है ये सामने, तो 5 into 20, तो 5 into 20 क्या होगा, 100 होगा। और उसके बाद क्या होगा, अब डेविएशन को हमने मल्टीप्लाई करना है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, 5 into 4 20, तो क्या हुआ 6 100 करें 6 1 1 2 और 20 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया है। एक बात ध्यान में रखनी है, वो क्या है, आपका जो डेविएशन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है, 5 to the 10 जैसे यहाँ आया था, और यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। आपके जितने जीरो कैंसिल होंगी, यानी ये जो जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट किसके ऊपर डिपेंड होगा, राइट पार्ट जो है वो होगा आपका किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो कैंसिलेशन ऑफ जीरोज के ऊपर होगा। आपकी जो है कितनी कैंसिलेशन जो है, कितनी कैंसिलेशन हुई है, और ये सब उसके ऊपर डिपेंड होगा, कितना कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो कैंसिलेशन के ऊपर होगा, जितना हम कैंसिल करेंगे और उतने ही जीरो, उतना ही आपका ये यहां पर आपके डिजिट्स आएंगे। अगर मान लीजिए आपके 1 जीरो कैंसिल हुई है, तो आप जो है उसको एक ही डिजिट लिखेंगे, बाकी कैरी हो जाएगा। जैसे आप आगे उदाहरण लेते हैं और इस प्रकार का, आइए 6012 और आपने मल्टीप्लाई करना है 495। देखिएगा आप यहाँ पर, यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बनता है। तो ये आपका इसका जो डेविएशन है वो क्या होगा, इसका जो डेविएशन है वो 12 होगा, और इसका डेविएशन क्या है यहाँ पर, -5 होगा। आप देख रहे हैं सभी, यस आप देख पा रहे हैं, मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, सबको क्लियर होगा। एक गोविंद गुप्ता जी कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है, बाकी कोई नहीं कह रहे हैं, हो सकता है उनके नेट में प्रॉब्लम हो। और कविंदर बबलू जी कह रहे हैं बहुत आसान है, और महावीर जाडन भी कह रहे हैं कि डिवीजन का मीनिंग क्या है, प्लीज रिप्लाई। तो ये डिवीजन का जो है हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आप उसी टॉपिक पर हैं तो अच्छा रहेगा। तो जैसे इसका जो बेस है आपका 6000 है, और इसका जो बेस है आपका 500 है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी जीरोस कितनी कॉमन है इसमें, जीरोस 2 जीरोस कॉमन है, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हुआ, 60 को हमने 5 से किया तो ये हुआ 300, तो 300 हुआ, और 12 को 5 से किया तो 60 हुआ, ठीक है। और ये हमने इधर हमने जो माइनस किया है, इधर अब जो है प्लस, लेकिन साइन नेगेटिव है इसलिए माइनस में ही होगा ये, और ये -300 है। और आपका जो पोर्शन है, जो राइट पोर्शन है वो क्या होगा, डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है, तो -60 होगा, -60 को ऐसे लिखेंगे और 2 ही डिजिट लिखना है। तो इसको माइनस करें, 300 में से 3 माइनस किया तो 297 हुआ, 60 लिख दिया है, और -60 ये ऊपर है। आप इसको डेविएशन, आप इसको जो नेगेटिव है, ये विंकुलम नंबर हुआ आपका, पहले ये हो चुका है, तो इसको कैसे करना है आप जानते हैं, ये 2975940। अगर मान लीजिए किसी ने पहले ये नहीं किया है तो ये वीडियो देखें, पहले वाली वीडियो, उसमें विनकुलम नंबर्स के बारे में बताया गया है कि विनकुलम नंबर क्या होता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स हैं तो उसको किया जा सकता है। तो यस, तो रीना मित्तल ने कहा है कि लेफ्ट पार्ट डिपेंड्स अपॉन द कैंसिलेशन ऑफ जीरोज, यस ये तो 2 जीरो कैंसिल हुई है तो इसलिए 2 डिजिट ही यहाँ पर आएंगी। तो जयराम जी भी कुछ कह रहे हैं, उनको कुछ क्लियर हो गया है और ओके कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है, शिखा आचार्य जी भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और विजय बंसल जी ने भी आंसर निकाल लिया है, तो सब इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, यस। तो आइए हम और आगे चलते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 4995 ये एक एग्जाम्पल है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 631 से। आप कोई भी इसमें बेस ले सकते हैं, और जो जिसके आसपास नंबर है हम उसको बेस लिख लेंगे। अब देखिए ये 5000 से कितना लेस है, ये 5 लेस है, तो -5 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो है कितना है, 31 है, ये 31 है, इसका डेविएशन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर डेविएशन
ये जो बेस है ये हमने 5000 के आसपास ये नंबर लिया था और ये है 600 के पास ये नंबर लिया था, तो ये 31 ज्यादा था। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने कॉमन जीरो हैं, इसमें कॉमन जीरो है आपकी 20 कॉमन है, तो आप कैंसिल करिए इसको। अब आप कर सकते हैं मुझे लगता है, तो इसको देखो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, और हम एक और भी काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें और हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 50 से हम ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस वाइज, ठीक है। तो आप क्योंकि इससे 50 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा तो, और ये क्रॉस इसको ऐसे कर लें, मतलब रेसिप्रोकल इसका रिवर्स करते हैं हम, तो 50 से मल्टीप्लाई करें तो 0 का 0 आ जाएगा और 5 से और कर दीजिए, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 1 कैरी और 5 6 द 30 और 31 हो गया, ठीक है। और हमने प्लस करना है, क्या करना है क्रॉस में, तो क्रॉस कितना है -30 हो जाएगा ये, ठीक है -30। तो अब देखिए यहाँ पर हम राइट हैंड में आपका जो हो रहा है ये 31 को 5 से करते हैं तो 5 1 द 5, 5 1 द 5 3 द 50 15 हो जाएगा, लेकिन हम 50 ये माइनस का होगा और 15 का हम 1 कैरी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बताइए। आप जानते हैं कितने कैंसिलेशन है यहाँ पर, 20 कैंसिल हुई है, इसलिए तो ही डिजिट आएंगे, तीसरा इधर आ जाएगा। आप जैसे माइनस आप 50 -30 करिए तो 20 हो गया, 20 -1 ये कैरी और हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया ये, इसमें माइनस किया तो 20 हुआ, 20 -1 29, ठीक है। और आपका जो है ये 315 ये हुआ और -55 था ये, है ना। अब इसको आपने विनकुलम को आपको ओरिजिनल नंबर में इसको चेंज करना है, तो आप जानते हैं कैसे करना है, ये आया 315 और 29 की जगह क्या लिखेंगे 8, और इसको माइनस करना 9 में से, 9 -5 4, और ये 10 में से करते हैं 10 -5 5। अगर जिसने ये नहीं देखा है पहले ये वीडियो देखें विनकुलम नंबर्स का, कैसे हमें कन्वर्ट करना है, ये विनकुलम नंबर्स क्या होते हैं आपको अभी भी पहले हमने डिस्कस किया था, तो आप जरूर इसके बारे में पढ़ें क्योंकि ये बहुत जगह काम आ सकता है, ये कैलकुलेशन को बहुत आसान कर सकता है। तो आप देख रहे हैं अभी सवाल पूछा गया था कि 4567 का क्या है, तो आप उसमें 45 ले सकते हैं, 145 का बेस ले सकते हैं और बाकी उसका डेविएशन हो सकता है, आप करके देखिएगा, और 4000 भी ले सकते हैं, अगर 4000 लेते हैं तो 567 उसका जो है डेविएशन हो जाएगा, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, जरूर नहीं जो हम मैं बता रहा हूँ वही स्टिक करें, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, और महावीर जाटों जी कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कीर्ति संधु ने अपना आंसर निकाला है, कोमल त्यागी ने जी भी यहाँ पर आंसर लिखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। तो अब देखिए इसमें जो हम करने वाले हैं आगे, जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका नेक्स्ट सूत्र, सूत्र नंबर 3, और उस सूत्र में क्या है, ओरिजिनल टेक्स्ट में लिख रहा हूं और सभी ने ये ध्यान रखना है, ये क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या है, ऊर्ध्व क्या होता है, ऊर्ध्व होता है ऊर्ध्वगामी होता है, यानी ऊपर की ओर उठना, और तिर्यक क्या होता है, क्रॉस वाइज होता है, क्रॉस वाइज है ना, क्रॉस होना। तो इस सूत्र में ऊर्ध्व का भी वो करेंगे और हम जो है क्रॉस वाइज भी इसमें हम चलेंगे, और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र के ऊपर पूरी एक बुक है, वो बुक जो कहेंगे मैं आपको ईमेल कर दूंगा, वो बुक क्या है कि अल्जबरे में कहाँ का प्रयोग होता है, पूरी लगभग अलजबरा में, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में, और कहाँ बहुत सारे मैट्रिसेस में, डिटरमिनेंट्स में, बहुत सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में बहुत जगह इसका ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का यूज होता है। तो हम एक आज मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन में हम देखेंगे कि इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये कंपटीशन में बहुत काम आ सकता है, इसके द्वारा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन क्या है,
लेकिन हम लोग ये जो है अभी इसमें छोटे पहले टू डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिएगा उर्दू तरीके हम का हम इसको इंग्लिश में एक नाम और दे सकते हैं, वर्टिकली, है ना, वर्टिकली, वर्टिकली क्रॉस वाइज, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, ठीक है, वर्टिकली क्रॉस वाइज। इसका देखिएगा क्या इसका उत्तर आ रहा है, इसमें क्या करेंगे, वर्टिकली क्रॉस वाइज में हम पहले टू वाई, टू डिजिट्स का टू डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू डिजिट्स बाई टू डिजिट्स, ठीक है। कैसे करना है देखिएगा, हम इसमें उर्दू तिरकाम का भी यूज करेंगे, यानी वर्टिकली का भी करेंगे और क्रॉस वाइज का भी करेंगे, ठीक है, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। अगर टू डिजिट्स का है तो वन टू वन फॉर्मूला होगा, वन टू वन का मीन्स क्या है वो बताऊंगा मैं, वन टू वन, ये सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे, आपको भेज देंगे, आदित्य मिश्रा जी कह रहे हैं वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज के बारे में बुक भेजें हम, आप मेरे पास सभी जो है मेरे मैसेज, आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा और दूसरा नंबर भी मैंने दिया था कल, तो उस पर आप मेरे को मैसेज भेज दें, तो जो मेल भेजेंगे मैं उनको वो बुक भेज दूंगा, और बाकी भी जो मैटर चाहेंगे वो मैं उनके पास भेज सकता हूँ, ईमेल जरूर भेजें और साथ के साथ मैसेज करें। आजकल ये लेक्चर चल रहे हैं और वर्कशीट भी बनानी पड़ रही है, थोड़ा शेड्यूल बिजी है, लेकिन समय मिलते ही मैं आपको इस 4 दिन की प्रोसेस की क्रिया के बाद जो है पूरा जो है ये सारा मैटर भेज दूंगा मैं आपको। तो आइए जो है अब टू डिजिट का टू डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कैसे होगा देखिएगा, आप इसको समझिएगा, इसमें कोई भी टू नंबर ले सकते हैं, कोई इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आइए हम करते हैं, मान लीजिए 40, कोई भी नंबर लेते हैं, 42 एंड 31 को मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो पहला जैसे हमने डिस्कस किया, तो मल्टीप्लाई करना है आपको इसको और कैसे करना है, और डायरेक्ट आंसर सिंगल लाइन में देना है, तो पहले वर्टिकली करेंगे, वर्टिकली में वंस प्लेस को वंस प्लेस से करना है तो टू वन द टू आ जाएगा, ठीक है, टू वन द टू। दूसरा क्या है, क्रॉस वाइज में, क्रॉस वाइज करेंगे मल्टीप्लीकेशन और उसको हम ऐड करेंगे, फोर वन द फोर, थ्री टू द सिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया इसको, तो फोर वन द फोर, थ्री टू द सिक्स, तो फोर प्लस सिक्स क्या हुआ, टेन, टेन का जीरो लिखेंगे, वन कैरी होगा, और आपका तीसरा स्टेप फिर वर्टिकली है, वर्टिकली में हम तीसरे स्टेप में टेन प्लेस का करेंगे, तो फोर थ्री द 12 प्लस वन 13, तो ये हुआ देखिए। तो आपको आपने कैसे किया ये फिर दोबारा से देखेंगे इसको, आप जो है मैं इसको फिर एक बार यहाँ पर ले लेता हूं, देखिएगा ये जो फोर टू वन द टू किया, पहला स्टेप वर्टिकली है, दूसरा स्टेप क्या है, फोर फोर वन द फोर, थ्री टू द सिक्स, तो फोर प्लस सिक्स क्या होता है, टेन होता है, टेन का जीरो लिखेंगे, वन कैरी, और फोर थ्री द 12 प्लस वन 13, तो ये जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे किया, टू है, अब जैसे कई इस लोग इसमें लिख रहे हैं, आदित्य मिश्रा जी लिख रहे हैं कि बीच में ऐड करना है, बिल्कुल सही है, ये पहले ऐड किया हुआ है हमने, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री और यहाँ पर टू इंटू वन, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसमें कर सकते हैं। अब जैसे 65 × 32 करिए क्या होगा, देखिएगा 65 × 32 क्या होगा, 2 5 10 होगा और वन कैरी, तो 12 + 15, तो 15 + 12 27 + 1 28 और टू कैरी और 18 और 20, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मौखिक हो जाता है और आप जो है इसमें कन्वीनियंटली आप इसको कर सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है आप देखिएगा, इसका बहुत जगह यूज हो सकता है, एक तो इसका अलजबरे में इसका एप्लीकेशन इसकी होती है, देखिएगा कैसे, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल करते हैं तो जैसे 4x + 3y अगर, या 3 लिखते हैं और 2x + 5 लिखते हैं, तो इसमें भी वही सेम होगा, 5 3 था वर्टिकली, 5 3 था 15, वर्टिकली पहला स्टेप, दूसरा क्रॉस वाइज, तो 20x हो गया ये और ये 6x हो गया, तो 20x + 6x क्या हो गया, 26x हुआ, और तीसरा जो स्टेप है वर्टिकली में 4x × 2x तो क्या हुआ, 8x² हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ये कर सकते हैं, मुझे लगता है ये आंसर सब कर रहे हैं, पीछे आपके आंसर आए हैं, ठीक है। ये से एक पूछ रहे हैं 97 × 79 कैसे करेंगे, नीलू मिश्रा जी, तो ये सेम यही प्रोसेस रहेगा, उसमें
आप सेम प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि दोनों स्टेप में आप जो है आपके जो राइट हैंड से जो पहला और दूसरा स्टेप है वन डिजिट लेना है, तो वही हम इसमें यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें माइनस का भी अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, 6x-5 मान लीजिए लेते हैं और 2x+4 लेते हैं तो क्या होगा देखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा, इधर से स्टार्ट कर लें बेशक हम, 12x² हो जाएगा, वर्टिकली लीजिए और फिर क्रॉस वाइज करिए तो 24-10, 24x क्रॉस का किया और ये 10x हो गया, 24-10x कितना हो गया 14x हो गया और ये -5/4 20 है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम सिंगल लाइन में आंसर लिख पाते हैं, तो आप सभी ये कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, तो टीचर्स स्टूडेंट्स कहने के हमें थोड़ा सा हर बार स्टूडेंट्स कहते हैं, तो आप तो लोग बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है मेरे सामने, टीचर्स हैं लेक्चरर्स हैं, तो आइए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारे मैथमेटिक्स में कहीं दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है लेकिन कंपटीशन में बहुत आता है। हम बच्चों को ये इस प्रकार के क्वेश्चन डलवाने चाहिए क्योंकि रूटीन में बहुत काम आते हैं। जैसे एरिया निकालना, मान लीजिए हमें 4 फिट और 2 इंच का हमने एरिया निकालना है और 3 फिट और 6 इंच का जो एरिया निकालना है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के स्तंभ बहुत लेंथी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे। हम पहले इसको ट्रेडिशनल वे से करते हैं, देखिएगा इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स 4 फिट और हमें, आप जानते हैं कि फिट को हमें इंच बनाने होते हैं, तो 4 × 12 करते हैं तो 4 × 12 क्या हो गया, 4 × 12 48+2 50 जो है 50 इंच हो जाता है ये। और उसके बाद जो है ये 12 से करेंगे तो 36 और 36 + 6 42 इंच ये आप करते हैं, ठीक है। और फिर एरिया निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये करते हैं तो क्या हुआ 0 और 5 × 10 और 5 × 20 + 21 100 2100 ये आपका स्क्वेयर आ जाता है स्क्वेयर इंचज में। और फिर हम किससे इसको आप करते हैं, हम इसको करते हैं 144 से करते हैं, तो 144 पे 1 पे जाएगा तो 144 और ये हुआ 6 और 10-4 ये हो गया, फिर 6 हो गया, ये 0 हो गया, आगे 6 ये गया और फिर ये लगभग किस पे जाएगा 4 पे जाएगा, है ना 4 पे जाएगा, 4 × 16 और 14 × 56 + 147 तो लगभग ये जो है 4 है और ये 8 आएगा, यानी 14 स्क्वेयर फिट और ये आया 84 स्क्वेयर इंच, ये इस प्रकार से आया। अब देखिए ये सारा हमें करना पड़ा, 1 2 और आपका तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई किया, चौथा स्टेप 144 से डिवाइड किया और उसके स्टेप में कई जो है इसके स्टेप्स हैं और जो है इसका आंसर निकाला। हम जो है देखिए इस मेथड का यूज करते हुए डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप जो है इसमें भी वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज लगाएं, ये 4 2 6 12 ये हो जाएगा और बीच में वही क्रॉस जैसे करते हैं, क्रॉस में 6 4 6 24 2 3 6 तो 24 + 6 30 हुआ और इधर जो है 4 3 12 हुआ, ठीक है। अब ये इसको ठीक लिखना है, आप 30 को 12 से डिवाइड करिए, तो 30 को 12 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या आया 12 × 24 तो 2 इसका क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन तो यहाँ लिख दीजिए, तो ये जो है आ गया 14 और इसका रिमाइंडर आया था आपका 6 आया था रिमाइंडर, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दीजिए तो जो है ये आएगा आपका 84 स्क्वेयर इंचेस। तो आपको इसको स्प्लिट करना 30 को, तो 30 को 12 से डिवाइड किया तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये आसानी से आ जाता है। केवल हमारी ये एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, टू स्टेप्स में ही हम कर पाते हैं, क्योंकि देखो ये रूटीन लाइफ में हम जो घरों में एरिया निकालते हैं स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, हम बड़े बड़े फॉर्मूले कर देते हैं, करवा देते हैं, है ना। और लेकिन किसी स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर गया है, उससे पूछिए एक कमरे का एरिया बताइए
फिट और इंच में कितना है, पहले तो माप ही नहीं पाएगा, फिर फिट और इंच में आ जाएगा तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। अगर इस प्रकार के सम हमारे यहाँ पर अगर सिलेबस में आ जाते हैं और इस प्रकार का जो हम वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, हम तुरंत इसका आंसर निकाल पाते हैं, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। अब ये काम होता कैसे है, इसके पीछे बेस क्या है, ये देखेंगे पहले थोड़ा सा। जैसे हमने लिया 4 फीट और आपका 2 इंच लिया था, हम इसको अब 4x+2 लिख देते हैं, और 3x आपका 3 फीट और 6 इंच था, तो 3x+6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे हम बेस क्या लेंगे, तो इसमें वही काम करें, ये आपका वर्टिकली करता ये करते हैं तो 12x² और क्रॉस वाइज किया था तो ये 24+6 30x, ठीक है, और यहां पर 6 to the 12 ये है। अब देखिए इसमें अगर इसको हम लेते हैं और इसका x, क्योंकि इसमें अब आपका जो नंबर्स हैं जैसे 12 है 13 है वहां पर, तो आपका जो है जैसे 34 है तो आपका इसका मतलब है 3 into 10, तो 10 बेस है इसका और यहां पर ये होता है। लेकिन यहाँ 4x क्या है, यहाँ पर यहाँ x 10 नहीं है, यहाँ x 12 है, यहाँ x क्या है 12 है, ठीक है, यहाँ x क्या है 12 है। तो ये आप देखिए 12 हमने 12 से क्यों किया था अभी पता चलेगा आपको। अगर हम 30 के फैक्टर करें, 12 से डिवाइड करें इसको, तो 2 into 12 + 6 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 12 से करते हैं और इंटू एक्स 30 के अगर लिखते हैं, ठीक है। तो 12 का हमने क्या लिया था, यहाँ पर x लिया था, है ना, 12 का हमने लिया था x लिया था, तो 2x + 6 इंटू एक्स, ठीक है, और 2x को x से करते हैं तो ये आपका 2x² हो गया, और 6x को ये 6x हो गया। अब 2x² तो हम यहां पर ले जाएं तो आपका ये 14 हो गया, 14 square inch हो गया, और आपका ये जो 6x था हमने मल्टीप्लाई किया था 12 से, यानी x की जगह 12 लिखो तो 6 into 12 तो 72, और 72 को हमने ऐड कर दिया था यहां पर। आप देख रहे हैं कि ये कितना बेसिक है, यहां पर ये देखिएगा 12 into 72 हमने क्यों 12 से मल्टीप्लाई किया है और क्यों 12 से डिवाइड किया है, ये सारा मुझे लगता है ये बेस लेकर आपका क्लियर हो गया होगा। तो वैदिक मैथमेटिक्स का ये जो सूत्र है क्रॉस वाइज, तो आप देख पा रहे हैं कि कहां कहां अप्लाई होता है, बहुत जगह अप्लाई होता है ये, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो ये मैं कुछ ज्यादा न लेता हुआ इसमें हम थोड़ा सा इतना ही करेंगे। तो अभी जैसे हमने 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन की थी, और 2 डिजिट की जो मल्टीप्लिकेशन की थी हम इसको 3 डिजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2 डिजिट का फॉर्मूला ही लगा करके। कैसे देखेगा, 124 और हमने 312 को मल्टीप्लाई करना है 300, तो इसी को हम दो इसी को ही इसी फॉर्मूले से हम ये 2 डिजिट का भी कर सकते हैं। कैसे देखेगा, दो तरह कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी तक आपको हमें एक ही मेथड पता था, लेकिन अभी हम इसको 2 मेथड से हम कर सकते हैं। नीलू मिश्रा जी कहते हैं क्या कैन यू एक्सप्लेन ट्रिग्नोमेट्री, यस ट्रिग्नोमेट्री भी हम इसके द्वारा हम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका जो फॉर्मूलेज हैं सूत्र हैं वो इसके द्वारा किए जा सकते हैं। लगभग आप जानते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक जो ये इंपॉर्टेंट जो सूत्र है, ये जो सूत्र है इसी सूत्र द्वारा हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो फॉर्मूले हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे फॉर्मूलेज, यस सारे फॉर्मूलेज इसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो सभी फॉर्मूलेज हम जो है इससे से कर सकते हैं। तो आइए हम जो है और देखते हैं इसको कैसे, पहले तो इसी को लेते हैं, देखेगा कैसे। अब इसको जैसे हमने डिस्कस किया था 2 डिजिट का, हम इसको 2 स्टेप में ही हम इसको कर सकते हैं। 2 स्टेप में कैसे कर सकते हैं, देखिएगा हम इसको 12 और 5 को अलग अलग लिखते हैं, 12 एंड 5 को अलग अलग से लिख सकते हैं, और इसको 31 और 2 को एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम 2 पार्ट में कर लें इसको और वही फॉर्मूला फिर लगा दें। क्या पहला स्टेप आपका वर्टिकली है, दूसरा क्रॉस वाइज है, तीसरा वर्टिकली है, एक तो ये करें। और हम एक फॉर्मूला और भी है, 3 डिजिट का अलग अलग करेंगे, और कैसे करें अब देखिए, 2 5 10, अब इसमें देख पा रहे हैं कि वर्टिकली 5 2 5 10 और 1 जो है कैरी हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है आपका, क्रॉस वाइज है, तो 12 2 24 और आपका 31 फायदा क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा, तो ये 170 आपका 9 हो जाएगा, प्लस 1 किया तो ये 180 हो जाएगा और 18 आपका कैरी हो जाएगा।
ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे, आप जैसे अब अगला जो स्टेप है वो है आपका वर्टिकली क्रॉसवाइज हो गया है, तो 12 × 13 करते हैं, तो आप जो है क्रॉसवाइज कर सकते हैं इसको, तो 2 × 1 = 2 और 1 + 6 = 1 + 6 7 हो गया, और 3 × 1 = 3 हो गया, और 18 ऐड करें तो ये आ जाएगा 390। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ कि वही हम जो है करें वर्टिकली क्रॉसवाइज, और इसको एक ग्रुप मान लें, एक ग्रुप मान लें इसको, एक डिजिट मान लें और इसको हम करें। दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 5 25 इधर ग्रुप मान लें, और 312 है ना, और 312 इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कैसे करेंगे 312 को कैसे करेंगे। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, अब जैसे हम करें 2 5 10 और आपका 1 कैरी और 4 + 5 9 + 1 10 और 2 1 2 + 1 5 है ना, तो 5 will be carry क्यों होगा ये मैं बता रहा हूं अभी। जब इधर 25 दो डिजिट है तो हम दो दो डिजिट ले सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया ये, और दूसरा स्टेप क्या है क्रॉस वाइज, तो 12 × 12 और 75, तो 75 + 12 तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 887 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 कैरी नहीं था, ये आपका 3 कैरी था है ना, 3 कैरी था, तो क्योंकि 5 × 10 0 और 4 + 1 = 4 + 5 = 9 + 1 = 10 1 carry 2 × 1 = 2 + 1 = 3 यस 3 यहां पर कैरी था। और यहां दूसरा स्टेप क्या है 87 में 3 ऐड करें तो 90, और आपका जो है आगे है 3 × 3, तो आप देखिएगा इसमें भी वही आंसर आ रहा है। आंसर तो देखो वही आएगा क्योंकि मेथड अलग अलग हो सकते हैं, तो ये भी आप तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप जो है आइए अब आगे जो है, अब जो थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है वो करना है, वो 3 डिजिट का 3 डिजिट से हमें प्रोडक्ट करना है, वो कैसे करना है देखिएगा। अभी हमने जो किया था 125 और 312 को मल्टीप्लाई किया था, और इसको हमने अब देखिए अलग अलग लेंगे हम, 3 डिजिट को अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो देखिए कैसे 1 2 3 2 1 ये क्या चीज है। अगर आपकी डिजिट 3 है तो 3 तक जाइए, 1 2 3, 3 के बाद वापस रिवर्स 2 1, ऐसे ही अगर आप पहले हमने किया था 2 डिजिट से तो 2 1 2 1 फिर 1 आया था। अगर 4 डिजिट है तो कहां तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1, तो ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह इसका वो किया जा सकता है, देखेगा कैसे। अब इसको हम करेंगे कैसे आप सभी देखेंगे, पहला जो है वर्टिकली है और आप जानते हैं इसको लिख लें ताकि आपको याद रहे, वर्टिकली, दूसरा क्रॉस वाइज आप जानते ही हैं, और तीसरा आपका वर्टिकली एंड क्रॉस करेंगे। ठीक है, वर्टिकली एंड क्रॉस, और फिर 2 का मतलब क्रॉस ही होता है और 1 का मतलब वर्टिकली, ये सब जगह सेम लगेगा, वर्टिकली और 2 का क्रॉस और 3 का ये क्रॉस एंड वर्टिकली और 2 का क्रॉस और तीसरा ये वर्टिकली, तो ये आपका सब सेम रहेगा। तो आप देखिएगा हम जो है 1 का, यानी हम पहले वर्टिकली करें तो इसको आप देखेंगे तो आपका जो है ये जो है आप इसको कर पाएंगे, देखिएगा कैसे। जैसे 5 × 10 ये तो आपका वर्टिकली हो गया, ठीक है, 5 × 10 और कैरी क्या हो गया 1, एक डिजिट लेना आता है आपको पता ही है इसमें, और फिर सेकंड स्टेप क्रॉस वाइज, यानी दोनों का क्रॉस हम जो है मल्टीप्लाई ऐड करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो क्या हुआ 2 × 4 5 × 5, तो 4 + 5 क्या हो गया 9 + 1 = 10, ठीक है 1 कैरी। अब तीसरा आप जानते हैं देखिए ये फॉर्मूला है, ये जो है क्रॉस भी है और वर्टिकली, जब 3 डिजिट का क्रॉस करना है तो एक्सट्रीम का वर्टिक क्रॉस और बीच का मिडल, जो बीच का ये जो मिडल है 2 और 1, और ये जो है 2 और 1 है ये वर्टिकली हो जाएगा, बाकी लास्ट के क्रॉस हो जाएंगे, यानी 1 को 2 से करेंगे और 5 को 3 से और 2 1 और सबको ऐड कर देंगे, तो 1 × 2 = 2 5 × 3 = 15 2 1 = 2, तो 2 + 15 क्या हो गया 17, 17 + 2 = 1 = 2 19 + 1 = 20, ठीक है। आपको मुझे लगता है ये जो थर्ड स्टेप था ये सबको क्लियर हो गया होगा, लास्ट को क्रॉस वाइज करना है 1 को 2 से 5 को 3 से और 2 को 1 से,
ठीक है, तो हम जो है ये सब ऐसे ही करेंगे तो ध्यान रखेंगे। फिर हमें थ्री डिजिट के बाद क्या है, टू डिजिट। टू डिजिट में लास्ट के तो क्रॉस करेंगे, लास्ट का कैसे है, 1 × 1 एंड 2 × 3 = 6। तो 1 + 6 क्या हुआ, 7 + 2 कैरी था तो 9 हो जाएगा। तो फिर 1 डिजिट तो 3 × 1 = 3। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आंसर सब जगह आपके, हमने इसके कितने मेथड करा दिए हैं, 3 मेथड हो गए हैं और आपका आंसर तो वही आ रहा है, वही आएगा ही, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता अलग अलग आए, तो आंसर तो वही आना है। मेथड तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बताया कि भाई इतने तरीके से कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा कर लीजिए, 5 to the 10, फिर क्रॉस वाइज करा, 4 + 5 = 9, 1 = 10। ठीक है, और फिर लास्ट का क्रॉस, बीच का सीधा, तो क्या हो जाएगा, 2 + 15 = 17 + 2 = 19 और 1 = 20 और 1 + 6 = 7 और 2 = 9 और 3 × 3, यानी 10 सेकेंड के अंदर अंदर ये स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो आप जो है, मुझे लगता है इट्स क्लियर, आप बताएं मुझे, सबको मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे लगता है ये जो है आप को बेसिक पता चल गया है कि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कैसे करते हैं। अब 4 डिजिट का भी आप खुद करें, फिर इसका मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पर, आप खुद करना, क्योंकि उसमें 1 2 3 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 3 2 1 3 2 1। 4 का आपके लिए नया होगा, बाकी सब आपके लिए पुराने हैं। 4 के लिए क्या होगा, 2 क्रॉस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 2 क्रॉस, जैसे एग्जांपल लेता हूं, आप 1 2 3 डिजिट करते हैं, जैसे ये मान लीजिए, मैं आप खुद करिए इसको और आप करके देखेंगे तो ये इनोवेशन भी हो जाएगी। तो राजीव जी कह रहे हैं कि, राजीव कुमार पांडे जी, 1 more time सर, तो आप क्या चाहते हैं कि हमने 2 बार तो करा दिया ऑलरेडी, तो फिर भी अगर आपको नहीं आता तो ये वीडियो दोबारा से आप, ये अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पर, और चाहे इसको दोबारा देख लीजिएगा। तो 4 का कैसे करना है, ये 4 डिजिट का, वैसे 1 आप जानते हैं कैसे करना है, 2 डिजिट का आप जानते हैं कैसे करना है, और 3 का आप जानते हैं, 4 में कैसे होगा, लास्ट का क्रॉस और बीच का भी क्रॉस। ठीक है, लास्ट का 4 को 1 से, 4 को 5 से और बीच का भी क्रॉस करना है। तो ये मुझे लगता है ये सब हो जाएगा। और आप जो है इसकी कॉलम कितने होंगे आप जानते हैं, हमने पहले बता दिया इसका साइंटिफिक तरीका क्या है, 1 to 4 डिजिट है तो 4 तक गए, फिर 3 to 1, तो आपके 7 स्टेप्स हैं, तो आप मौखिक इसको कर सकते हैं। अब इसको देखिए, अलजबरे में भी इसका यूज हो सकता है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। तो जैसे 6 32 अलजबरे का लेते हैं, चलो 6x² है और +5x है, +2 है और आगे है 3x² है, +2x है, -2x है और -3 है। तो आप जो है इसको कर सकते हैं, जैसे पहला स्टेप क्या है, -6 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या, क्रॉस वाइज करना है, तो क्या होगा, -15 + 4, तो -15 + 4 क्या होगा, -11x हो जाएगा। फिर क्या है, लास्ट का क्रॉस, तो क्या होगा, -18 हो गया, -18x² हो जाएगा, 6x को -3 से करेंगे तो -18 + 6, तो -18 + 6 क्या हो जाएगा, तो -12, -12 और +10 क्या हो जाएगा, -12 + 10, तो -2x² हो जाएगा। फिर देख लीजिए, 6 × 3 = 18, -18x² और 2 × 3 = 6, 6x² और बीच में आपका 10x² था, तो 16 और -18 तो -2, ये तो हो गया आपका थर्ड स्टेप। अब फोर्थ यानी 2 वाला लेंगे, तो ये क्रॉस करना है, ये तो ये होगा 12 और 15, है ना, 6 × 12, 5 × 3 = 15, तो 12 + 15, तो 12 + 15 तो 27x² हो जाएगा, x³ हो जाएगा ये, 12 + 15 और आगे जो हो जाएगा 6 × 3 = 18x³। आप देख रहे हैं कि एक ही लाइन में हमने ये किया है। तो ये जो है, ये जो आपको ये जो वीडियो है, ये पूछ रहे हैं, दीपिका जी भी पूछ रहे हैं, वैदिक मैथ सॉल्यूशन चैनल पे, यस ये अपलोड कर दी जाएगी, तो बाद में देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। और अब जो है, मुझे लगता है नीलू कह रहे हैं कि आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, मुझे लगता है बाकी सबको सुनाई दे रहा होगा, अगर यस, अगर हो आपको सुनाई ठीक से दे रहा है तो आप मैसेज लिखेंगे, मुझे लगता है ये आपके नेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से ठीक चल रहा है ये, तो देखिएगा।
अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन में भी आता है और स्टूडेंट्स भी ये जो है देखिए स्टूडेंट्स जो है इसको आप इसको स्टूडेंट्स मौखिक कर सकते हैं इसको। ये मैं जो करा रहा हूँ ये स्टूडेंट्स मैंने थर्ड फोर फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स पर ये एक बार स्टूडेंट्स से मैंने ओरल बिना पेन पेंसिल के ये करवाया था। तो इसमें जैसे सम ऑफ द टू प्रोडक्ट है, सम ऑफ द टू प्रोडक्ट कैसे करना है ये स्टूडेंट्स ये मौखिक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसको हम मौखिक किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि हम इसको अभी राइट साइड से कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, वो कैसे है मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। सभी सम आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप जानते हैं इसमें भी वही स्टेप्स हैं, पहला वर्टिकली, दूसरा क्रॉस और तीसरा वर्टिकली। तो 1:1 का फॉर्मूला सेम, वही फॉर्मूला। कैसे, अब आपके दो सम है, पहला स्टेप दोनों का ले लीजिए। जैसे 5:10 पहले स्टेप में कौन सा लेते हैं, वंस प्लेस लेते हैं, वर्टिकली लेते हैं। तो 5:2 10, 3:1 3, तो 10 + 3 क्या होगा, 13 हो जाएगा। पहला स्टेप आपने दोनों का लेकर के ऐड कर दिया है तो ये 13 का 3 लिखा, 1 कैरी हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस। तो सबका क्रॉस ले लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। तो 4:8, 5:3 15, तो 8 + 15 हो गया 23। 23 में आप 2:3 6, तो 23 में 6 जोड़ेंगे 29, और 4:1 4, तो 29 + 4 33 + 1 34। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्रॉस सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। और फिर हम तीसरा स्टेप आपका जो है 10th प्लेस का है, तो 4:3 12 और 4:2 8, तो 12 + 8 20 हो गया, + 3 23। यानी स्टूडेंट्स केवल सिंगल लाइन में इसका आंसर दे पाएंगे इस मेथड से। फिर दोबारा देख लीजिए, 3:1 3, 5:2 10, तो 13 हो गया, 10 + 3 13, 1 कैरी। और दूसरा स्टेप में क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस वाइज में कैसे होगा देखिएगा, 4:2 8, 5:3 15, तो 8 + 15 23, 23 + 6 29, 29 + 4 33 + 1 34, 3 कैरी। और आगे है 12 + 8, 12 + 8 क्या होगा, 20, और + 3 23। यस, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपने ये किया है। और आप जो है इसको, मुझे लगता है आप जो है ये सब समझ में आ गया होगा, सब किया है हमने इसको, और आप भी इसको जो है करके देखें। और इतना ही नहीं, हम जो है इसका आंसर भी ओरल कर सकते हैं। कैसे, आप देखिएगा, 31 × एक एग्जांपल लेते हैं, 31 × 42, और प्लस इसका प्रोडक्ट करें, और 52 × 24 एक ये समझ लें, और भी ले सकते हैं क्या, यस, 31 × 13 ये लें और ये प्रोडक्ट करें, और इसमें करें 12 × 15, 12 × 15 करें। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इसका आंसर भी आप मौखिक निकाल सकते हैं। तो आप इसको करें जरूर, सभी करें। पहला स्टेप सबका ले लें, और दूसरा स्टेप इसे हम जो है यहाँ पर थोड़ा टाइम मैं चाहता हूँ कि बचाना, तो इसलिए टाइम इस पर नहीं लगाना चाहता है। इसको आप करके देखिए, पहला स्टेप सबका, फिर दूसरा स्टेप सबका, तीसरा स्टेप सबका, तो आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं और आप इसका हल कर सकते हैं। ये जो है सम ऑफ द प्रोडक्ट था, और अब इसका डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स भी आप इसका कर सकते हैं। यस, आप डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या है देखिएगा, 52 को 50 मान लीजिए आपने करना है 54 से, और आपको प्रोडक्ट करना है 31 को 32 से, और आपको माइनस करना है 61 को 23 से। मल्टीप्लाई भी करने हैं, प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, तो ये भी मुझे लगता है आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप देखिएगा, आप जानते हैं कि ये आपका पहला स्टेप वर्टिकल लिया है, तो 4:8, 8 + 2 10, 10 और -3 = 3, तो 8 + 2 10 -3 7 हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दिया। और दूसरा स्टेप है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 = 20, 2 × 5 = 10, तो 20 + 10 = 30, 30 + 6 = 36, + 3 = 39, 39 - 18, 39 - 18 तो ये हुआ 21, 21 - 2 दैट इज द 19,
तो 2 1 2 ये है ना, तो 19 का 9 लिखेंगे, 1 कैरी। 19 कैसा है पता है कि बस इनको दोनों को माइनस करना है, और फिर क्या है 5 5 द 25, 3 3 द 9, 25 प्लस 9 तो 34, 34 माइनस 12 तो 34 माइनस 12 तो 22 और प्लस 1 था तो ये हुआ 23 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आप इसमें कितने भी ऑपरेशन ले सकते हैं। अब वैसे तो ये जो हमने जो किया है ये अब दो ऑपरेशन, तीन मल्टीप्लिकेशन लिया है, प्लस लिया है, माइनस लिया है। ये 6th क्लास के स्टूडेंट्स ने करके दिखाया था और मैंने उनकी प्रैक्टिस कराई थी। ये मल्टीप्लाई भी है और ये प्लस भी है और माइनस भी है, और आपका जो है 41 का स्क्वेयर भी है और आपका स्क्वेयर रूट भी है 1। जैसे मान लीजिए हम स्क्वेयर रूट लेते हैं 9025, और मान लीजिए और क्यूब भी है किसी का 1331 का क्यूब रूट है। तो आप देख रहे हैं सारे ऑपरेशन है इसमें, और ये 6th क्लास के स्टूडेंट्स ने विद इन 1.5 मिनट इसका आंसर डायरेक्ट बिना पेन पेंसिल लेके किया था। तो हम सभी अगर इसका अभ्यास करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जब स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो हम सभी कर ही सकते हैं। हमारे कंसेप्ट तो है, बस इसको इंट्रोड्यूस करना है, आप बस इसको अध्ययन करने की जरूरत है, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम थोड़ा सा इसकी और प्रैक्टिस करें तो मुझे लगता है कि हम सब इसका आनंद ले पाएंगे। इसका आंसर जो है बहुत स्पीडली निकल पाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें से टॉपिक हुए नहीं है। मैं बस एक आपको सामने यहाँ पर एक कहना चाहूंगा कि अगर हम सारे स्टेप, क्योंकि कई स्टेप, कई जो है आपके ऑपरेशन राइट हैंड से स्टार्ट होते हैं, कई लेफ्ट हैंड से। जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, और एडिशन भी हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, और डिवीजन हम कहाँ से करते हैं, हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे स्क्वेयर करना है तो मल्टीप्लाई ही हो है, वो भी राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हुए, हम जो उर्दू तेरे भ्याम यानी क्रॉस वाइज का किया था, हम उसको लेते हुए आप देखिएगा हम राइट लेफ्ट हैंड से भी उसको कर सकते हैं। अब ये जो हमने किया था 62 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, चलो ऐसे लिख लेते हैं हम वर्टिकली, तो ये 2 हुआ और ये 6 हम राइट हैंड से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये 6 प्लस 8 तो 14 हुआ और 1 कैरी और ये हुआ 25। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2 1 2 और 6 प्लस 8 14 और 1 कैरी और 24 प्लस 1 25। अब इसको इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं राइट हैंड से भी, देखो कैसे। अगर आप राइट हैंड से करना शुरू करेंगे जो अभी आपके सामने प्रॉब्लम ली थी वो सभी मौखिक कर सकते हैं। कैसे देखिए, हम जैसे हमने किया था ये वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज वर्टिकली, हम क्यों ना पहले ये वर्टिकली ले लें। कैसे, जैसे 24 ले लें, 6 4 द 24, और आप जानते हैं ये 10th प्लेस पर है और इसके साथ शून्य लगा दें 24, यानी मन में करें ये 240 लिखते हैं, हर एक स्टेप के बाद जीरो लगानी है तो 240, 6 × 4 = 24, 0। ये हम कहीं भी अभी जो राइट से किया था वो हम कागज पे ही करते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं, और अगर लेफ्ट से करेंगे तो कागज की जरूरत नहीं है ना पेन की जरूरत है। अब देखिएगा 6 4 द 24, हर एक स्टेप के बाद शून्य लगाना है तो 240 हुआ। अगला स्टेप इसमें जोड़ देना है क्रॉस वाइज, कैसे आप जाए इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप क्या आपका जो है, क्या है नेक्स्ट स्टेप क्रॉस वाइज का है, 240 में 6 प्लस 8 जोड़ना है तो 240 प्लस 6 बंदा 6 248 तो 246 प्लस 8 क्या हो गया 254 हो गया। ठीक है, और ये जो है ये क्रो आपका एरो डाल देता हूं मैं, आपका जो है 6 और 4 8 इसमें ऐड किया तो 254, यानी सेकंड स्टेप भी पूरा है तो जीरो लगा दो और तीसरा स्टेप इसमें जोड़ दो 2 1 2 यानी 2542। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका एरो है, आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो आप देखेंगे कैसे किया हमने, फिर देख लेते हैं। पहला स्टेप आपका 6 4 द 24 शून्य लगाया, और अगले स्टेप अगला करने के लिए हमें दूसरा स्टेप जोड़ देंगे, 240 में 6 और 8 जोड़ना है 246 प्लस 8 254, शून्य लगाया तो 2 और ऐड किया तो 2542। तो आप इसके द्वारा
बहुत सारे एक ही समय में, अगर बहुत सारे ऑपरेशन है, एक मैं बस उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पर समापन इसका करूंगा आज के सत्र का। तो देखिए, जैसे मैं लेता हूँ यही 62 × 41 प्लस 621, अगर आपने करना है मौखिक ओरली करना है, कहीं आपने कागज पेंसिल नहीं लेना है, तो पहला स्टेप ले लीजिए 6 × 4 = 24, 24 में ये ऐड 6 और 7 में कर दीजिए, यानी तीन स्टेप इसके हैं, तीन मल्टीप्लिकेशन के हैं, तीन एडिशन के हैं। तो अगर कम ज्यादा हो वो भी ले सकते हैं, पहले इस पर ही देखेंगे, ध्यान करेंगे। तो 6 × 4 = 24 + 6 क्या हुआ, 30। अब 30 के साथ शून्य लगाएंगे, जैसे हर एक स्टेप के बाद हमने शून्य लगाना है, 300 हो गया। और अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप इसमें हम ऐड करेंगे, 300 में 6 × 6 एंड 4 × 8, 306 + 8 314, 314 + 2 भी ऐड करेंगे तो 316 हो जाएगा, और एक शून्य लगाया। और हम जो है अगला स्टेप लेंगे, इसमें क्या है कि 2 × 2 और 1 ऐड करेंगे, तो ये 2 + 1 = 3 हो गया, तो 3163। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आपने मौखिक ही कर दिया है। इस प्रकार की जो चीजें हैं ये किताबों में नहीं मिलेंगी, और ये जो है हम लोगों की टीम जो शिक्षा संस्कृति उत्थान आज की टीम है रिसर्च पर लगी हुई है, और डे नाइट फुल टाइम पर ये काम कर रही है। आपस में हम डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी बातों पर हमारा जो है इवेल्यूशन होता है, यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं, उनसे भी डिस्कशन होता है। तो बहुत सारे लेक्चर्स ने, प्रोफेसर्स ने कहा है कि यस ये तो कंप्यूटर में प्रयोग किया जा सकता है। अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो एक हिमांशु जी आए थे लंदन से, तो वो बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा उसके सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप में यूज किया है, और उन्होंने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी में इसको बहुत अच्छा है यूज, उन्होंने बताया इसको कि इसको प्रयोग किया जा सकता है, तो इसको करने की जरूरत है। और कोडिंग डिकोडिंग इसके द्वारा की जाए, जैसे विनकुलम नंबर है, इसको हम कोई कोडिंग डिकोडिंग करें इसके द्वारा, तो कंप्यूटर में ज्यादा सिक्योरिटी हो सकती है और इसका प्रयोग अधिक अच्छा ढंग से इसका किया जा सकता है। तो साथियों, हम लोग इसके ऊपर ज्यादा हम इसका थोड़ा और अध्ययन करें, इसकी स्टडी करें, बहुत इसका उपयोग है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी है और हमारे माइंड के लिए भी है, और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट करने के लिए भी है, और मैथ्स फियर यानी डर को भगाने के लिए भी है, और पास होने के लिए भी है, और एक इंटेलिजेंट बनने के लिए भी है, स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट बनाना है, और तो मैथ्स को मैथ्स के समीप लेके आना है। तो हम इन सूत्रों का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करवाएं और हम लोग भी इसका अध्ययन करते रहें। तो कई लोगों का ये मानना है कि बड़ी उम्र के लोग भी इसको पढ़ते रहते हैं तो हमारे जो सेल हैं, माइंड की जो सेल है वो जनरेट होती रहती है, क्योंकि सोचते हैं हम ज्यादा और हम जो है ओल्ड यंग रहना है। तो इस प्रकार की चीजें हम जो है इनका प्रयोग करें, और मुझे लगता है, मुझे होप है, इस प्रकार का आप यूज करेंगे और इनका प्रयोग करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल आपके साथ हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, और कुछ और भी बातें आपके साथ कल करनी है। कल जो है अतुल कुठारी जी भी समापन में, हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, जो पूरा जीवन उनका एजुकेशन में उनका जो समर्पण हुआ है, पूरा जीवन उनको लगा रहे हैं अपना जीवन, दिन रात शिक्षा में, कैसे शिक्षा को अच्छे ढंग से यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल में देना चाहिए उसके ऊपर लगे हुए हैं। कल वो जो है समापन में आपके जो है 4 डे लास्ट डे को, और अध्यक्षीय भाषण आपके सामने करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, सबको नमस्ते, धन्यवाद। Thank you.